हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फोर इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में, जो कि एनसीईटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जिसमें एडमिशन होता है, उसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, जैसे कि आपको पता ही होगा, एनसीईटी जो है, जो बहुत पुराना एग्जाम नहीं, लास्ट ईयर से शुरू हुआ है, बट एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्राम है। और किसी भी बच्चे को अगर 12th के बाद अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना है तो उसको फोर इंटीग्रेटेड बीएड की तरफ ही जाना चाहिए, जिसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड प्रोवाइड किया जाता है। देखो, आपको पता होना चाहिए आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो ग्रेजुएशन के पास 2 ईयर बीएड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा 1 ईयर बीएड की भी बात कर रही है, चल रही है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो 1 साल की जो बीएड है वो भी आपके पास अवेलेबल होगी। इसके अलावा आप 12th के बाद जो 2 ईयर के डिप्लोमा होते हैं वो कर सकते हो, या 12th के बाद आप बीएलएड कर सकते हो। बट अगर इन सब की बात किया जाए तो इन सब का जो है ना, बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा 2030 के बाद। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा 2020 में हमारी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने साफ साफ ये चीज बताई है कि 2030 के बाद गवर्नमेंट का पूरा फोकस आईटीईपी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट है उसका मेन मकसद क्या है कि टीचिंग की जो क्वालिटी है वो बढ़ाई जाए। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर टीचिंग के फील्ड में आना चाहता है तो पूरी तरह से अपने माइंड मेकअप करके आए कि मुझे हाँ पूरा अपना करियर टीचिंग में ही बनाना है, कोई अदर ऑप्शन लेके ना चले वो, या कुछ मिला नहीं तो टीचर बन गया, ऐसा माइंडसेट ना हो। इसलिए उन्होंने आईटीईपी के तहत फोर इंटीग्रेटेड बीएड लॉन्च किया है। और आप देखोगे 2030 के बाद ना तो 2 ईयर बीएड, ना ही जो 12th के बाद 2 ईयर का डिप्लोमा होता है, बीएलएड स्टाफ के जो कोर्सेज है उनकी वैल्यू ना के बराबर हो जाएगी, बल्कि 2030 के बाद ये कोर्सेज बंद हो जाएंगे। वैलिड होगी, जाहिर सी बात है, जिन्होंने पहले कर रखा उनकी वो तो उनके लिए तो वैलिड होगा, बट आगे जाकर के आपके पास सिर्फ ऑप्शन जो रहने वाला है फोर इंटीग्रेटेड बीएड का रहने वाला है, और ज्यादा जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो फोर इंटीग्रेटेड बीएड किए हुए स्टूडेंट्स को ही दिया जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा पर्सनली मानना है कि आपको फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की तरफ जाना चाहिए, अगर आप 12th के बाद अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले एनसीईटी 2024 के फॉर्म कब आएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन पैटर्न क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस है, आईआईटी है, एनआईटी है, जो ये एनसीईटी का जो फॉर्म के अंदर पार्टिसिपेट करती है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं जो एनसीईटी है एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, और जो भी बच्चे 12th के बाद अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाने का मौका दिया जाएगा, जिसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखो, इस कोर्स को करने का सबसे बड़ा फायदा जो है ना, सबसे बड़ा फायदा अगर मैं कहूँ तो आपको 4 साल में ही 2 डिग्री आपके पास आ जाती है। मान लो कोई बच्चा बीए बीएड में एडमिशन लेता है तो 4 साल करने के बाद उसके पास बीए की भी डिग्री होगी और बीएड की भी डिग्री होगी, डबल एडवांटेज है देखा जाए तो। कोई बच्चा अगर बीएससी बीएड करता है तो उसके पास बीएससी की भी डिग्री आ जाएगी और बीएड की भी डिग्री आ जाएगी। कोई बच्चा बीकॉम बीएड करता है तो उसके पास बीकॉम की भी डिग्री होगी और बीएड की भी डिग्री होगी। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, सबसे बड़ा फायदा है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो 2024 में होने वाला है, जिसके तहत आप आईटीपी के तहत बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड के फोर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले सकते हो। अगर इसके बारे में डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस साल भी लास्ट ईयर किसने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी ने, इवन आईआईटी ने पार्टिसिपेट किया था। आप देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है आईआईटी में पढ़ने का, यहां पे आप इसके तहत आईआईटी में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। बहुत सारे एनआईटी ने पार्टिसिपेट किया था, आरआई ने पार्टिसिपेट किया था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज जो थे उन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर 2023 में, जब इसके फॉर्म निकले थे। अभी इसका फॉर्म नहीं निकला है, बट इस वीडियो में मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगा फॉर्म कब निकलेगा, हर एक चीज, हर एक आस्पेक्ट जो आपको एनसीईटी के बारे में पता होना चाहिए, हर एक चीज कल क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। देखो, अगर बात करें लास्ट ईयर जो है अप्रोक्स 3900 के आसपास फॉर्म सीट्स थी, एक बार मैं करेक्ट कर लूंगा आगे वीडियो में, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स बता दूंगा, लेकिन इस साल पॉसिबिलिटी ये कई गुना बढ़ जाए, ठीक है, कई गुना आपको बढ़ने को मिलेगा, क्योंकि 2023 में ये फर्स्ट टाइम इशू हुआ था, लॉन्च हुआ था। आज 2024 में आप देखोगे
बहुत सारे जो स्टूडेंट है इसका वेट कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अपने आप को ऑफर किया कि हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आप ये जो नंबर है, नंबर ऑफ सीट्स का जो कॉम्बिनेशन देखोगे बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनसीटी के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो फॉर इंटीग्रेटेड बीएड में, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपके पास कुछ चुनिंदा कॉलेज का ऑप्शन नहीं होता, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर इसके बारे में और डिटेल में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो देखो अगर आप एनसीटी के तहत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, यानी कि सबसे पहले तो आप एनसीटी का फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद इसके एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होने के बाद आपको क्या करना होता है, जो भी उसमें अच्छा स्कोर करो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, और उसके हिसाब आप उसके बाद आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका जो भी सीसस होता है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो होता है, उसके ऊपर अप्लाई करना होता है। देखो ये हो सकता है कुछ बच्चों को ना समझ आया, तो मैं एक बार दोबारा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, जैसे ही एनसीटी का फॉर्म निकलेगा आप एनसीटी का फॉर्म फिल करोगे, पहला स्टेप, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम की डेट आएगी, एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर होना, बहुत अच्छा स्कोर करना है। स्कोर करने के बाद उस स्कोर के बेस पर, ध्यान सुनना, उस स्कोर के बेसिस पर वेरियस जो भी यूनिवर्सिटीज ने इस एनसीटी के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके उनका जैसे ही सीसेस का फॉर्म जो रिलीज होगा, जैसे उनका सीसेस का जो पोर्टल है वो ऑन हो जाएगा, सीसेस मतलब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ठीक है, जो भी जो सीट एलोकेशन सिस्टम उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करोगे, यानी काउंसलिंग, बेसिकली आप इसे काउंसलिंग कह सकते हो। तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उस मार्क्स के बेसिस पे आप वेरियस जो भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उसके काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे, और देन आपके जो भी मार्क्स होंगे एनसीटी के तहत उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। ये पूरा प्रोसेस चलता है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसको इसमें आपको दो बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एनसीटी का फॉर्म फिल करना होता है, और देन जब आपका रिजल्ट आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो जैसे जैसे कॉलेज अपना सीसेस का पोर्टल लॉन्च करते हैं उसके अंदर भी आपको रजिस्टर करना होता है। तो ये दोनों बातें याद रखना। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर मैंने देखा था, कुछ बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया बट सीसेस का रजिस्ट्रेशन करना ही भूल गए, या उन्हें पता ही नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को नुकसान हुआ था। इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल वो दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लो, वहां पर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। या अगर कुछ भी आपको डाउट आता है, आपको अगर सीयूटी के अंदर सीयूटी यूजी से रिलेटेड डाउट हो या एनसीटी 2024 से रिलेटेड डाउट हो, तो आप नीचे देखोगे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फोन नंबर दे रखा है, हमारा एड्रेस दे रखा है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आप सारी डिटेल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे आपको दो फेजेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले एनसीटी का जब फॉर्म निकलेगा उस टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एंड देन उसके बाद कब करना है, जब सीसेस का जब पोर्टल लॉन्च होगा अलग अलग यूनिवर्सिटी का, अलग अलग कॉलेज का, तो उस टाइम भी आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। तो ये दो बातें याद रखना। तो देखो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे एनसीईटी का या नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का, तो उस टाइम जो लास्ट ईयर जो फीस थी मोर ऑर लेस यही फीस रहने वाली है, चेंज नहीं होगी। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो फीस था, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 1200 रुपए फीस देनी थी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 1000 रुपए फीस देनी थी, और अगर आप थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो आपको 650 रुपए फीस देनी थी, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस है, कॉलेज फीस नहीं है, ध्यान रखना। जब आप बीएड करोगे तो ऑब्वियस बात है हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर देखोगे बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है, कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी जिनका थोड़ा सा ज्यादा बट अफोर्डेबल है। आप किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लो, लगभग सबकी फीस अफोर्डेबल है, करने के बाद आप अपना करियर बहुत अच्छा बूस्ट कर सकते हो और ज्यादा आपका फीस का बर्डन नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको फीस जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कितनी फीस लगी वो समझ आ गया होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है इसका। तो देखो लास्ट ईयर की अगर बात करें, लास्ट ईयर जो था इसका एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो आपसे टोटल 7 सेक्शन में 7 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सबसे पहला क्या था, लैंग्वेज। आपको दो लैंग्वेज चूज करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इंग्लिश चूज कर लिया और एक हिंदी चूज कर लिया, ठीक है। तो आपको दो लैंग्वेज चूज करनी होती है, ठीक है। लैंग्वेज वन के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज टू के भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता ही होगा ये जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, आपको सेंटर अलोकेट कर दिया जाता है, वहां पर जाकर के आपको कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम देना होता है एमसीक्यू बेस्ड पे, ठीक है। तो जो इसके अंदर पहला जो सेक्शन था वो लैंग्वेज का आता है, लैंग्वेज वन के 20 क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज टू के 20 क्वेश्चन होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश और हिंदी ही चूज करना है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, आपके पास 33 लैंग्वेज का ऑप्शन है, उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है इसमें जो आप सब्जेक्ट चूज करो वो अगले वाले में सेम तो नहीं चूज कर सकते हो, आपको दूसरा चूज करना पड़ेगा, क्लियर है। देन इसके बाद आपका जो थर्ड सेक्शन होता है, थर्ड जो पार्ट होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है, जिसके 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए कंपल्सरी, इसमें तो आपके पास चॉइस है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, आपको जो भी
टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। और हमारे चैनल पे आपने देखा हो पीछे भी बहुत सारी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, और अभी कुछ दिनों बाद आप देखो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा, एनसीटी की प्रिपरेशन के ऊपर बेस्ड टीचिंग एप्टीट्यूड का हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही क्लासेस स्टार्ट हो या जैसे एग्जाम डेट रिलीज हो या जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो वो सब कुछ आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। तो ध्यान रखना जो थर्ड सेक्शन था उसमें आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद जनरल टेस्ट का सेक्शन होता है, जनरल टेस्ट जो है उसके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जनरल टेस्ट भी सबके लिए कंपलसरी, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, पॉइंट्स होता है, रीजनिंग होती है, करंट अफेयर होता है, जीके होता है, बस यही सेक्शन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आपका जो जनरल टेस्ट है वो सबके लिए कंपलसरी है। देन उसके बाद आपको तीन डोमेन चूज करने होते हैं। ठीक है, तीन आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। ध्यान रखना ये वही सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है। अगर आपने ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा वो आपको चूज नहीं करना। यहाँ पे मैं एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मान लो कोई बच्चा है उसने अभी जो साइंस स्ट्रीम से अपनी ट्वेल्थ कर रहा है या कर चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया है, ट्वेल्थ स्ट्रीम से ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम से अपनी ट्वेल्थ कंप्लीट कर रहा है या कर चुका है। अब ये चाहता है, ये नहीं चाहता कि मैं आगे साइंस में स्ट्रीम मतलब परस्यू करूं, ये चाहता है कि मैं बीए बीएड करूं। ठीक है, ये बीए बीएड करना चाहता है, यानी बैचलर इन आर्ट्स में जाना चाहता है, साइंस को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो जब ये डोमेन को चूज करेगा तो क्या आर्ट्स वाले सब्जेक्ट चूज करेगा या साइंस वाले चूज करेगा? तो इसका आंसर है वो साइंस वाले सब्जेक्ट चूज करेगा। क्यों? उसने ट्वेल्थ में क्या पढ़ा था, ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट पढ़े थे वही आपको इसके अंदर डोमेन के अंदर चूज करने हैं। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए नहीं जाना, उस चीज के आपको नहीं सोचना। आप बीए बीएड के लिए जा रहे हो जा सकते हो, बट जो डोमेन चूज करोगे वही चूज करो जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी और उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था। तो इस बात को आपको डिटेल में समझना है। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट करो, मैं 100% इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे तीन डोमेन है, इन तीन डोमेन को आपको चूज करना होता है। हर डोमेन के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 25 25। ठीक है, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वही आपको डोमेन चूज करना है जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है। जो सब्जेक्ट आपने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा उसके लिए आपको नहीं जाना। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो देख सकते हो टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही करने पे आपको 4 नंबर रिवॉर्ड दिए जाएंगे और गलत करने में -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। लास्ट ईयर की बात है, हो सकता है इस साल कुछ चेंज हो जाए, तो मैं जैसे ही चेंज होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो टोटल 160 क्वेश्चन है जो कि अलग अलग 7 सेक्शन से 7 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। दो लैंग्वेज होती है आपके पास, एक टीचिंग एप्टीट्यूड, एक जनरल टेस्ट और 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सभी 7 सब्जेक्ट्स को मिलाकर के टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूरा एग्जाम आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जो कि आपको ऑनलाइन आपके सेंटर पर जाकर के आपको देना पड़ता है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम बाकी जो चीजें वो एक बार समझ लेते हैं। अब यहां पर जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको सब्जेक्ट चूज करने, तो कौन कौन से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो एक बार इनके बारे में भी देख लेते हैं। हम कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे कि लास्ट ईयर किस किस कॉलेज ने, किस किस यूनिवर्सिटी ने, किस किस आईआईटी ने, किस किस एनआईटी ने पार्टिसिपेट किया था, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करें अगर यहाँ पे, तो देख सकते हैं आपके पास लैंग्वेज, जैसे आपने यहाँ पे देखा था ना, आपको 2 लैंग्वेज चूज करनी थी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। तो कौन कौन से आप चूज कर सकते हो, यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है। आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, असमी कर सकते हो, बंगाली, गुजराती, पूरा यहाँ पे देख सकते हो, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये पूरा आपको दिख रहा होगा, आई होप, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये पूरा आपको दिख रहा होगा। ये पूरा आप देख सकते हो कितने सारे आपके पास ऑप्शन है, ये पूरा लैंग्वेज का आपके पास ऑप्शन है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, अरबी, जो मर्जी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको 2 लैंग्वेज चूज करने अलग अलग, जैसे कोई बच्चा मान लो एक बच्चे ने तमिल चूज कर लिया, देन दूसरा क्या चूज करेगा, दूसरा कुछ और जैसे इंग्लिश चूज कर लेगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग आपको लैंग्वेज चूज करने हैं। लैंग्वेज के बाद आपको क्या बताया था मैंने, उसके बाद आपको डोमेन चूज करने, डोमेन में क्या क्या है आपके पास ऑप्शन, ये देख सकते हो आपके पास पूरा ऑप्शन है। और ध्यान रखना डोमेन आप वही चूज करना जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा, अगर ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा तो वो वाला डोमेन आपको नहीं चूज करना। देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, ठीक है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री, एनवायरमेंट स्टडी, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, ठीक है, लीगल स्टडी भी है, मास कम्युनिकेशन भी है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट है जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा उनमें से आपको मिल ही जाएगा 100%। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आप डोमेन चूज कर सकते हो। ये पूरा जो मैं पीडीएफ के फॉर्म में पूरा लास्ट ईयर का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप डिटेल में इसे स्टडी कर सकते हो कि आपने ट्वेल्थ में क्या पढ़ा है या क्या पढ़ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। एंड देन उसके बाद मैंने बताया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है और जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज का एक सेक्शन होता है, डोमेन का सेक्शन होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, जनरल टेस्ट का सेक्शन होता है। तो टोटल 4 सेक्शन होते हैं।
लैंग्वेज में टोटल दो पेपर होंगे, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू, और डोमेन में टोटल तीन होते हैं, डोमेन वन डोमेन टू डोमेन थ्री। आई होप आपको पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं 100% से रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो क्या होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखो और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये तो सबको पता बताने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं एक बार क्लियर कर दूं। आप ट्वेल्थ में या तो अपेयरिंग होनी चाहिए या आपने ट्वेल्थ पास करना खाना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी एज बार नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। मान लो कोई कैंडिडेट है वो गैप ईयर है, यानी कि लास्ट ईयर उसे एडमिशन नहीं मिल पाया था या ट्वेल्थ के बाद उसने पढ़ाई नहीं की, अब उसने सोचा है कि मैं 4A इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो बिल्कुल कर सकता है वो। कोई एज बार नहीं, ना तो मिनिमम का है ना मैक्सिमम का है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है, 16-17 साल है तो भी आप एडमिशन ले सकते हो। आपकी एज 20-30-40 साल हो गई तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई भी एज बार नहीं है, बस आप क्या है या तो ट्वेल्थ में इस साल अपेयरिंग होनी चाहिए या आपने ट्वेल्थ पास आउट कर लिया होना चाहिए, बस इतनी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके अलावा कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल सा रखा गया, कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। अब बाकी आगे बात कर लेते हैं हम। देखो जैसे कि मैंने आपको ये सारी बातें एग्जाम की बात करें तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ना इसका 9 अगस्त को इसका एग्जाम हुआ था। इस साल की अगर बात करें तो इस साल कब तक फॉर्म आएगा इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं लास्ट ईयर का फॉर्म निकला था, इसके बाद आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा इससे पहले जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता रहा था लास्ट ईयर कितनी यूनिवर्सिटीज ने कितने कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर आप देख सकते हो यहाँ पे जो नॉर्दर्न रीजन था, नॉर्दर्न रीजन जिसमें दिल्ली ठीक है ये यूपी ये सब आते हैं, वहां पे टोटल 16 जो यूनिवर्सिटीज थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और टोटल मिला के कितनी सीट्स थी, 18 सीट्स थी, ठीक है। देन ईस्टर्न रीजन जो था, ईस्ट वाला जो रीजन था ठीक है, बिहार झारखंड इस टाइप का जो नॉर्थ ईस्ट ठीक है इस टाइप जो था, वो 8 टोटल यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, टोटल 550 सीट्स थी। और वेस्टर्न जो था, वेस्टर्न पार्ट जो था गुजरात साइड का जो हिस्सा था, वहां पे 7 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल 750 सीट्स थी। अगर साउथ की बात करें तो साउथ की साइड में कितनी यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया था, यूनिवर्सिटी IIT सबको मैं काउंट करके बता रहा हूँ, टोटल 11 जो IIT यूनिवर्सिटी या जो भी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। टोटल जो सीट्स थी लास्ट ईयर 850 थी और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने बने, 3950 सीट्स थे, ठीक है 3950 सीट थे। मैं 100% कह रहा हूँ इस साल ये नंबर जो है एटलीस्ट डबल तो होगा ही होगा, एटलीस्ट ठीक है, कम से कम डबल होगा ही होगा, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये 2023 में फर्स्ट टाइम इशू हुआ था, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। बट इस साल देखोगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करने वाली है, कंपटीशन भी बहुत अच्छा रहने वाला है, तो आपको अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी ये वेट नहीं करना कि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, एडमिशन स्टार्ट होगा तब मैं तैयारी करना शुरू करूंगा या करूंगी, ऐसा माइंडसेट आपको नहीं रखना है। आपको अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हम मुझे 4A इंटीग्रेटेड बीएड के लिए ही जाना है, तो आपको आज से ही तैयारी कर देनी चाहिए। अपने डोमेन जो भी है वो डिसाइड कर लो कि मुझे किस डोमेन के लिए जाना है, उसकी तैयारी आज से शुरू कर दो। टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी हम स्टार्ट कराने वाले यूट्यूब चैनल पर, आप उसकी तैयारी उसको कंटिन्यूसली देखना शुरू कर दो और अपने लेवल पर भी प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। लैंग्वेज को आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हो, तो जितना जल्दी आप तैयारी करना शुरू कर दोगे उतना ही बाकी से आप आगे निकल जाओगे। तो ये पूरा यूनिवर्सिटीज थी जो मतलब टोटल जो थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर आप जानना चाहते हो किस यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था और उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊं, तो अभी मैं आपको पूरा PDF में बता देता हूं किस स्टेट से कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो यहां पे देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे हर स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कितनी कितनी यूनिवर्सिटी उसके बारे में दे रखा है, जिसमें IIT भी है, NIT भी है, RI भी है, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो सारे हैं, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी सब कुछ है। जैसे अगर बात करें हरियाणा के अंदर चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी जो है, जो कि सिरसा के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि BA BSc BEd आपको प्रोवाइड करे और दोनों में 50-50 सीट्स है। वही अगर आप देखोगे पंजाब के अंदर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि अमृतसर में, जो कि तीनों टाइप के बीएड आपको प्रोवाइड कर रहे थे, BA BEd BSc BEd BCom BEd, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स आप यहाँ देख सकते हो। आई होप आपको विजुअल होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा डिटेल में दिख सके, ठीक है। ऐसे आप देखोगे उत्तराखंड के अंदर जो था डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसके अंदर भी तीनों आपको स्ट्रीम प्रोवाइड की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन उसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर ही इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और ये आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रोवाइड कर रहे थे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होता है दिल्ली से लेकर के, दिल्ली में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी।
जिन्होंने लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था। ये नंबर इस साल जरूर बढ़ेगा, ये इसकी आप टेंशन मत लो कि नंबर यही रहेगा, यूनिवर्सिटी यही रहेगी, ये सब तो होगी होगी, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐड ऑन हो जाएंगे। तो दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि इग्नू है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि तीनों टाइप के बीएड आपको प्रोवाइड करे, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, और नंबर ऑफ सीट्स तीनों के लिए 100-100 है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे इग्नू का नाम सुनते ही बच्चों के माइंड में आ जाता है कि डिस्टेंस लर्निंग होगा, हम घर बैठे बीएड कर ले, नहीं, ध्यान रखना बीएड चाहे आप 2 ईयर बीएड करो या 4 ईयर बीएड करो, बीएड हमेशा रेगुलर होती है। तो इग्नू भी आपको एक सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा, उस सेंटर पर जाकर के अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा मत सोचना कि आपकी घर बैठे बैठे पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी जो कि डॉक्टर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटी है, इसने भी लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और इसमें अगर देखोगे तो टोटल बीए बीएड और बीए बीएड में टोटल 50-50 सीट्स थे, ठीक है। बाकी प्रिपरेटरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं प्रिपरेटरी लिखा है, कहीं सेकेंडरी लिखा है, कहीं मिडिल लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं लिखे, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, इसके लिए अलग से एक वीडियो चाहिए, तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक्सप्लेन करूंगा इन सबका मीनिंग क्या होता है, और आपको फॉर्म फिल करते रहना, इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर बात करें, अगर आपको बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप बीए बीएड प्रिपेरेटरी में एडमिशन लेना आपके लिए ठीक रहेगा, या बीए बीएड सेकेंडरी में एडमिशन लेना ठीक रहेगा, उसके ऊपर हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। इसके अलावा हरियाणा के अंदर देख सकते हो, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश हरियाणा, ठीक है, ये अलग अलग है। दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी पार्टिसिपेट किया था, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके बात ढूंढ लेता हूं। बाकी आप यहां देख सकते हो उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, ये रहा दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर अगर बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 2 कॉलेज थे जिन्होंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, इस साल ये नंबर और ज्यादा बढ़ेगा, 2 यूनिवर्सिटी की जगह मेरा जो मानना है इस साल कम से कम आपको 4-5 यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी जो इस साल पार्टिसिपेट जरूर करेगी। तो दिल्ली के अंदर बात करें तो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन जो है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि बीए बीएड मिडिल आपको प्रोवाइड करे थे और बीए बीएड सेकेंडरी प्रोवाइड करे थे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स 50-50 दोनों में था। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर, जो कि बीए बीएड आपको ऑफर कर रहे थे सेकेंडरी लेवल का, जिसमें टोटल 50 सीट्स थी। तो दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर टोटल 3 ही यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर की, अगर मैं बात करूँ तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी थी, और एक इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी थी। तो इन 3 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर, ठीक है। इस साल मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नंबर 100% बढ़ेगा। आप इसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, कौन कौन सी IIT उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दे रखा है। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो आप एक बार जो भी टेलीग्राम चैनल वहाँ पर जाइए, मैं ये पूरा PDF डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के इसे पढ़ लीजिए। देखो जैसे NIT की मैं बात कर रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि वेस्ट त्रिपुरा की है, ठीक है, तो वेस्ट त्रिपुरा की। इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इसके अलावा IIT भी आपको दिख जाएंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर। जैसे मैं आपको मैं ढूंढ करके कुछ IIT दिखा देता हूँ, ये NIT है आपकी, ठीक है, इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे आपको IIT भी मिल जाएगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे ये देखो उड़ीसा के अंदर जो IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि बीएससी बीएड आपको प्रोवाइड करे थे 50 सीट्स से। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी है, अगर हम ढूंढेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ये पूरा PDF आपके हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप उसे जरूर एक बार देख लो, ताकि आप खुद समझ सको कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी जिन्होंने लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन सी IIT थी, कौन कौन सी NIT थी, कौन कौन सी RIT जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और अपने स्टेट अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपको किसको प्रेफरेंस में रखना है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई कि यूनिवर्सिटीज के बारे में, बाकी जो डिटेल्स है वो भी एक बार समझ लेते, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा ही दिया। अब इसके बाद बाकी चीज़ों की बात करें तो एग्जामिनेशन के बारे में भी बात करते, उससे पहले हम बात कर लेते आपके जो भी लास्ट ईयर जो था ना, लास्ट ईयर कब इसका फॉर्म निकला था उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो लास्ट ईयर की अगर बात करें और इस साल कब फॉर्म निकलेगा, दोनों की मैं बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना। लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो था ना, इसका फॉर्म जो निकला था वो 26 जून को फॉर्म रिलीज हुआ था, अप्लाई करने की लास्ट डेट जो थी 19 जुलाई थी, हाँ डेट एक्सटेंड हुई थी और लगभग 30 तारीख तक गई थी, 30 जुलाई के आसपास गई थी ये, ठीक है, क्लियर है। तो लास्ट ईयर जो इसका फॉर्म था जून के लास्ट मिनट निकला था और जुलाई तक एडमिशन इसका चला था, और इसका जो एग्जाम है मुझे याद है 9 अगस्त को हुआ था इसका एग्जाम, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 9 अगस्त 2023 को हुआ था, ठीक है। अगर बात करें इस साल की, इस साल कब होने वाला है, तो देखो सिंपल सी बात है, इस साल आप देखो, अच्छा सबसे पहली बात, ये एग्जाम कौन लेती है, NTA लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी।
कौन लेती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इसका एग्जाम लिया था लास्ट ईयर और इस साल भी यही एग्जाम लेने वाली है। अगर बात करें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास अभी कौन सी जिम्मेदारी है, तो अभी उनके पास CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि 2024 का है उसकी जिम्मेदारी, बट इसके जो एग्जाम है 30 मई तक इसके खत्म हो जाएंगे। तो आप देखोगे जो NCT का जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जाम आप देखोगे जून में होने की पॉसिबिलिटी है, जून में इसका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका फॉर्म कब निकलेगा, कम से कम 1-2 महीने पहले निकलते फॉर्म। तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इस साल जो फॉर्म है आपको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए ताकि जैसे ही इसका फॉर्म निकले हम आपको इन्फॉर्म कर दें। तो ध्यान रखना इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपके जून में देखने को मिलेगा और इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि अप्रैल में इसके फॉर्म निकल जाए, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं। आप देख सकते हो मार्च चल रहा है, हार्डली 1 महीने का टाइम है, आपका अप्रैल में फॉर्म निकल जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और इसके अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन लगभग 1-1.5 महीने चलता है, उसके बाद लगभग आधा या 1 महीने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा जून में, ठीक है? तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहो और जल्दी से इसकी तैयारी आज से शुरू कर दो। तो आई होप आपको इसका फॉर्म कब निकलेगा ये सारी चीजें भी समझ आ गई होगी। इसमें किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं उस इसका जो भी क्वेरी है उसको मैं रिजॉल्व कर सकूं, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। ये पूरा हमने जो भी एस्पेक्ट थे NCET 2024 के ऊपर उन सबको हमने डिटेल में कवर कर लिया है, जैसे इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या IIT या NIT जो कि पार्टिसिपेट करे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इसके फॉर्म कब रिलीज होंगे, A to Z सारी चीज़ें मैंने आपके साथ कवर की है। बाकी इसकी जो तैयारी है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट की भी हम बहुत जल्दी अपने इसी चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो और बाकी अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट हो, तो आप देखोगे हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दे रखा है, हमारा एड्रेस दे रखा है, आप हमसे फोन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या आप दिल्ली में आसपास रहते हो तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर आकर के विजिट कर सकते हो और पूरी इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में ले सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।